मैं हूँ मीर हसन एंड यू आर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल कॉलेज नोट्स एंड टुडे आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू कैलकटा यूनिवर्सिटी इंग्लिश ऑनर्स सजेशन 2024 पेपर CC9 और CC9 में जो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स इस बार 100% चांस है कि उससे क्वेश्चंस आएंगे, वो पहला पॉइंट है जिसमें आप स्टार लगा ले, इस पॉइंट से 2024 में क्वेश्चन मस्ट आने वाला है। तो पहला पॉइंट जो है वो कुबला खान है और इस कुबला खान से जो पहला क्वेश्चन जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपके लिए और आप देख सकते हैं मैंने डबल स्टार भी उसमें लगा रखा है, वो क्वेश्चन है राइट अबाउट द सुपर नेचुरल फीचर्स फाउंड इन कोलरीज कुबला खान। कुबला खान के जो पोएम में सुपर नेचुरल फीचर्स हैं उसको आप डिस्कस करेंगे। इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इस बार 2024 के एग्ज़ाम में इसके आने के चांसेस 100% चांसेस है कि क्वेश्चंस आएंगे। इसके अलावा आप दूसरा क्वेश्चन लिख सकते हैं, वो है राइट ए नोट ऑन कोलरीज इमेजरी इन कुबला खान। कुबला खान में जो है पोएट ने जो इमेजरी का यूज़ किया है उसके बारे में आप लिखें। और इस पॉइम से जो थर्ड क्वेश्चंस है जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है इस बार वो भी आ सकता है, क्रिटिकली एनालाइज सैमुअल टेलर कोलरीज कुबला खान एज ए रोमांटिक पॉइम। सो दिस थ्री क्वेश्चन इज़ वेरी इम्पॉर्टेंट और कुबला खान से मैं तीन ही क्वेश्चन आपको दूंगा, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है वो सुपर नेचुरल फीचर्स वाला है, ठीक है। और CC9 से जो सेकेंड पॉइम है वो PB शैली की लिखी हुई पॉइम है, ओ टू द वेस्ट विंड। और इस पॉइम से मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन ही सजेस्ट करूँगा जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उस क्वेश्चन को आप करें, उसके बाद टाइम रहे तो फिर मैं दूसरा क्वेश्चन को सजेस्ट करूँगा। जो फर्स्ट क्वेश्चन ये है कि वाई डज शैली कॉल द वेस्ट विंड डिस्ट्रॉयर एंड प्रिजर्वर, डिस्कस। और इस क्वेश्चन को और करके भी दिया जा सकता है, और करके इस क्वेश्चन को ऐसे दिया जा सकता है, कैन द वेस्ट विंड बी कॉल्ड एन एजेंट ऑफ रीबर्थ एंड रिनोवल, डिस्कस। सो एक ही क्वेश्चन से ये दो तरीके से किया जा सकता है, आंसर एकदम सेम होगा। और इस एक ही क्वेश्चन को आप प्रिपेयर कर रहे हैं और उसके बाद आपको टाइम है तो इस पॉइंट से आप दूसरा क्वेश्चन प्रिपेयर कर सकते हैं, वो है द यूज ऑफ इमेजेस इन ओ टू द वेस्ट विंड। तो इस पॉइम से सिर्फ मैं दो क्वेश्चन दे रहा हूँ, लेकिन पहला वाला क्वेश्चन जो है वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और उसमें आप स्टार लगा ले, इसके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं। जो नेक्स्ट पॉइम है वह है विलियम ब्लैक की पॉइम द लैम्प एंड द टाइगर। और इस पॉइम से मैं आपको दो क्वेश्चन ही सजेस्ट करूँगा। पहला क्वेश्चन है जो एक कोटेशन है और उसको आप एक्सप्लेन करना है। कोटेशन इस तरह से है, डिड ही हु मेक द लैम्प मेक दी, एक्सप्लेन दिस लाइन विद द रेफरेंसेस टू द लैम्प एंड टाइगर। और जो नेक्स्ट क्वेश्चन है इस पॉइंट से वो है हाउ डज ब्लैक ब्लेंड चाइल्ड लाइक इनोसेंस विद एडल्ट विजडम इन टाइगर। और जो नेक्स्ट पॉइम है वो है टू ए स्काईलार्क। और इस पॉइम से मैं सिर्फ आपको एक क्वेश्चन ही सजेस्ट करूँगा और क्वेश्चन है राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ टू ए स्काईलार्क। और इसके बाद जो हमारा नेक्स्ट पॉइम है वो है ओट टू द ऑटम। और ऑट टू ऑटम से भी मैं एक ही क्वेश्चन आपको सजेस्ट करूंगा और क्वेश्चन ये है राइट ए क्रिटिकल एप्रिसिएशन ऑफ ऑट टू ऑटम। और CC9 से जो लास्ट पॉइम रह गया है वह विलियम वर्ड्सवर्थ की एक पॉइम है टिंटिन एबे। और इससे जो मैं आपको क्वेश्चंस दूंगा वो क्वेश्चन है टिंटिन एबे रिकॉर्ड्स different stages in Wordsworth appreciation of nature, discuss. And second question is poem se hai comment on the personal elements in Wordsworth Tintin Abbey
और इसको क्वेश्चन को और करके ऐसे दिया जा सकता है, कुड टिनटिन एबे बी एसेस एज ऑटोबायोग्राफिकल पोएम, गिव योर रीजंस। और इस पोएम से जो लास्ट क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको सजेस्ट कर रहा हूँ, डिस्क्राइब द नेचर ऑफ लॉस एंड द अबेंडेंट द कंपेंसेंस रिफर टू वर्ड्सवर्थ टिनटिन एबे। तो इस तरह से पोएम CC9 के जितने भी पोएम थे मैंने उस क्वेश्चन को मैंने आपके साथ डिस्कस किया है। और मैं भी ये भी बता दूं कि अगर आपको इस सारे क्वेश्चंस के आंसर अगर चाहिए तो आप जो हैं मेरे व्हाट्सएप नंबर पे मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी इस पोएम इस वीडियो CC9 का दूसरा पार्ट में मैंने अपलोड कर दिया है, आप लिंक पे जाके दूसरे इसके दूसरे पार्ट को भी आप देख सकते हैं।